हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। आज हम बनाएंगे बेसन का पराठा, इसे कचौरी पराठा भी कहते हैं। तो जिन लोगों को कचौरी पसंद है उन्हें ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बेसन, 1/4 कप प्लस 1 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून वाटर। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, फिर उसमें बेसन डालेंगे। हमें बेसन कम से कम 10 मिनट के लिए भूनना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमें इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। मुझे यहाँ ऑयल थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ 1 टेबलस्पून ऑयल और ऐड कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं हमारा बेसन भुन चुका है और ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। इसमें सिकने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। एक टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, पिंच ऑफ अजवाइन, पिंच ऑफ हींग, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 2 लौंग जिन्हें मैं कूट के डालूंगी। अब हम इसमें एक एक करके हमारे सारे मसाले ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारी बेसन की स्टफिंग रेडी है। अब हम पराठे बनाने के लिए आटा गूंदेंगे। एक कप गेहूं का आटा, 1 टेबलस्पून ऑयल और 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल के मैं इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूंगी। हम जितना इस आटे को गूंदेंगे और हाथ से मसलेंगे, हमारे पराठे उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। हमारा सॉफ्ट डो तैयार है। अब मैं इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे चारों तरफ से चिकना कर लूंगी। अब हमारा आटा और स्टफिंग दोनों तैयार है। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। अब हम आटे की एक लोई लेंगे, उसमें हमारी बेसन की स्टफिंग भरेंगे और उसे बेलन की मदद से बेल लेंगे। हमारा गैस स्टोव ऑन है। अब मैं इसे तवे पे डालूंगी और इसे दोनों तरफ से ऑयल लगा के सेक लूंगी।
और हमारा पराठा तैयार है, बच्चों के टिफ़िन के लिए और ट्रैवलिंग के लिए सफिशिएंट है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल।